क्या है लेटेस्ट अपडेट और क्या है ये हादसा मैम? इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और ये इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया जो कि शिवपुरी से निकली थी और टुवर्ड्स कटरा जा रही थी। उसकी वजह से जो ड्राइवर है उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ा और वो नीचे बस जो है वो खाई में चली गई। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी कंप्लीट किया जा चुका है। 9 आर फियर डेड राइट नाउ एंड 33 इंजर्ड हुए हैं, उनको इमिजिएटली नारायणा हॉस्पिटल और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के लिए एम्बुलेंसेस को निकाल दिया गया। मैम कहाँ से थे ये लोग, कुछ इसकी जानकारी मिल पाई है? क्योंकि ये श्रद्धालु है कहा जा रहा है, ये लोकल्स नहीं है, अभी उनकी आइडेंटिटीज जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है, बट जो अभी इनिशियली पता चला है वो दे मे बी बिलोंग टू यू। मैम कुछ इनपुट्स थे क्या इस एरिया में, क्योंकि देखा गया है कि रजौरी में पिछले दिनों कुछ रिकवरीज हुई थी, ओजीडब्ल्यू पकड़े गए थे, तो क्या इस इलाके में कुछ इनपुट्स थी? देखिए ऑलरेडी हम देखते आए हैं जब भी कोई मिलिटेंसी कोई इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद हम लोग वैसे ही हाई अलर्ट पे हमेशा से रहे हैं, तो आज भी और पिछले कई दिनों से वी वर ऑन हाई अलर्ट और ये सारी जो शिवखोड़ी श्राइन है उसको पूरे तरीके से सिक्योर किया गया था। उसके आसपास के इलाकों में भी बड़े दिन से हम अपनी एरिया डोमिनेशन की एक्टिविटीज और बाकी VDGs के साथ हमने उनके साथ फायरिंग प्रैक्टिस भी करी थी और उनको सबको अलर्ट पे ही रखा गया था। मैम एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि देखा गया कि आपने क्यों नहीं सीधा पहले चालक को ही निशाना बनाया, क्या अंदर तुम फायरिंग जो हो सिर्फ चालक के ऊपर ही हुई है या श्रद्धालुओं के? अपील इट इज टू सून टू से एनी। थैंक यू मैम।